अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए शहडोल पुलिस इन दिनों एक्शन मोड पर है, जहां पर पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने वाले जिले के गोहपारू पुलिस पर पशु तस्करों ने जानलेवा हमला किया। तो वहीं देवलोद पुलिस ने पशु तस्करी करते हुए 2 ट्रक पकड़कर 55 मवेशियों को मुक्त कराकर 2 के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है। जिले की गोहपारू पुलिस को मुखबिर ने 31 फरवरी को सूचना दी थी कि जिले का प्रमुख गो तस्कर आशु खान अपने साथियों कल्लू खान व समीर खान के साथ सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में पशु तस्करी करने के लिए पशुओं से भरे ट्रक को पार कराने के लिए उसकी पायलटिंग करने वाला है। प्राप्त सूचना पर गोहपारू पुलिस को प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित करने पर फॉरेस्ट बैरियर के तस्करों की सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार क्रमांक UP70EL5807 को पुलिस द्वारा रोका गया। पुलिस द्वारा उक्त वाहन की चेकिंग करने पर उसमें आशु खान निवासी कोतमा, समीर खान निवासी ब्योहरी व कल्लू बाबा निवासी ब्योहरी बैठे हुए पाए गए और पुलिस द्वारा उपरोक्त संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ एवं तलाशी हेतु गाड़ी में उतारने से कहने पर वे पुलिस को अपशब्द कहते हुए गाड़ी पुलिस कर्मियों के ऊपर चढ़ा देने व जान से खत्म कर देने की बात कहने लगे। यह कहते हुए समीर खान उक्त वाहन को जोर से रेस देकर जान से मारने की नीयत से पुलिस की ओर गाड़ी बढ़ाने लगा। तब उपस्थित पुलिस कर्मियों ने कूद कर अपनी जान बचाई। तेज गति से वाहन भागते हुए समीर खान ने पुलिस कर्मियों को धमकी दी और कहा कि आज तो बच गए हो, अगली बार हमारी गाड़ी के सामने आए तो रोकने की कोशिश करेंगे तो जान से मार देंगे। जहां पर तस्करों की गाड़ी का पुलिस द्वारा पीछा किया गया और तेज गति होने से सेमरा पुल के पास तस्करों की स्कॉर्पियो गाड़ी एक गड्ढे में जाकर पलट गई। पुलिस के पहुंचने के पहले ही तस्करों द्वारा अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस से फरार हो गए और संपूर्ण घटनाक्रम के आधार पर पुलिस जब जानलेवा हमला करने पर आशु खान निवासी कोतमा, समीर खान व कल्लू बाबा निवासी बिहारी गो तस्करों के विरुद्ध थाना गोहपारू में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में संदिग्ध गो तस्करों के द्वारा तस्करी की पायलटिंग में उपयोग की जा रहे वाहन स्कॉर्पियो भी जब्त किया गया है और आरोपियों की बड़े जोर शोर से तलाशी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर ₹5,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस थाना देवलोद द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए फर्जी नंबर प्लेट से परिवहन करने वाले 2 ट्रकों को हिरासत में लेकर 55 पशुओं को पशु तस्करों से मुक्त कराया गया है एवं ट्रक क्रमांक UP70GT1941 असल नंबर UP70ET2711 के सह चालक एवं ट्रक क्रमांक UP701926 के चालक रोहित पाल, पिता धर्मेंद्र पाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम किशोरपुर, थाना बरहोर, तहसील अकबपुर, जिला कानपुर को भी गिरफ्तार किया गया है और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम, मध्य प्रदेश कृषक पशु परीक्षण और अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है एवं फरार आरोपियों एवं पशु तस्करों के मुख्य स्रोत की तलाश की जा रही है। को लेके भी लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। आज ही 2 ट्रक देवलोंद में पकड़े गए हैं जिनमें 70 के करीब बछड़े मवेशी थे और एक अपराध पशु तस्करों को पायलट करने वाली एक गाड़ी जिसने पुलिस के रोकने पे पुलिस के कर्मचारी को कुचलने का प्रयास किया था उसके विरुद्ध धारा 307 का पंजीबद्ध किया गया है और तस्करों के विरुद्ध ₹5,000 का रिवार्ड घोषित किया गया है। कैनन न्यूज़ के लिए शहडोल से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।